हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजू मोरे एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिट वन, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? दो छोटे पक्षी एक दूसरे से कैसे अलग हो गए थे? सेपरेट यानी अलग होना। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज The two baby birds lived in a tall tree with their mother. One day a big storm blew. The tree came down. The mother bird was killed. The strong wind blew the two chicks away to the other side of the forest at a little distance from each other. Thus they got separated from each other. Where did each of them find a home? इन दोनों छोटे पक्षियों को आखिर में रहने के लिए कहाँ ठिकाना मिला? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव। अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ ऋषि एट अ लिटल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? पहले वाले पक्षी ने उस अनजान आदमी से या उस स्ट्रेंजर से क्या कहा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर मीन्स द किंग। ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप एंड रॉब द मैन ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। इनडायरेक्टली ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वंस। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम? दूसरे पक्षी ने उस स्ट्रेंजर से या उस अनजान आदमी से क्या कहा? The answer of this question is the second bird welcomed the king to the ashram. He requested the stranger to drink water, take rest and make himself comfortable. He added that his brother lived in the company of robbers, so he talked like them. Now the question number 5. How did the rishi explain the different ways in which the two birds behaved? दोनों भाई अलग अलग तरीके से किस तरह बर्ताव करते हैं, इस बात को ऋषि ने किस तरह समझाया? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्स, द सेकेंड बर्ड रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम। देयर डिफरेंट वेज वेयर द रिजल्ट्स ऑफ देयर कंपनी। Now question number 6, which one of the following sums up the story best? नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य ऊपर की कथा को अंकित करता है या उसकी समीक्षा करता है? The answer of this question is, one is known by the company one keeps. The option second, this is the answer of this question. In this way, we completed the question answers of this topic. Okay friends, we meet in the next video with different subject. Goodbye, namaste, take care.